एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू होने वाला है कल और बात करेंगे आज इस वीडियो में उसके सारे प्रेडिक्शंस की। ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू होने वाला है कल, इसकी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है और बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जिससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इकलौती चीज़ जिससे पेपर व्यू अच्छा हो सकता है वो है इन रिंग रेसलिंग, और मैं उम्मीद करूंगा कि उस चीज़ पर WWE हमें डिलीवर करती है। अब आप लोगों को हमेशा की तरह क्या करना है, कमेंट्स में जाना है 1, 2, 3, 4 लिख के सारे मैचेस की प्रेडिक्शंस मुझे बतानी है ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं इस शो के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं डैनियल ब्रायन और ड्रू गुलेक के मैच से गाइस, और मुझे लगता है कि ये प्री शो पे होने वाला है मैच, जो कि एक एंबैरेसमेंट है क्योंकि अगर इनको 10-15 मिनट ढंग से दिए जाते हैं तो प्रोबेबली यहां पे हमें एक बहुत अच्छा रेसलिंग मैच देखने को मिल सकता है। प्री शो के लायक ये नहीं है, लेकिन और कोई ऐसा मैच है नहीं जो कि मैं प्री शो पे देखना चाहूंगा इसके अलावा, तो डेफिनेटली यहां पे ये मैच हमें प्री शो पे ही देखने को मिलेगा अगर WWE और कोई नया मैच अनाउंस नहीं करती। लेकिन जहां तक प्रेडिक्शंस की बात है गाइस, यहां पे डैनियल ब्रायन इस मैच को जीतने वाले हैं उसमें कोई शक नहीं है, काफी इजी है और पूरे पेपर व्यू का ऐसा ही हाल है, काफी प्रिडिक्टेबल सा कार्ड है और इस वजह से काफी इजी है यहाँ पे बताना कि कौन जीतेगा। मेन शो की हम बात करते हैं गाइस, तो हमें नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिलने वाला है एलिस्टर ब्लैक और एजे स्टाइल्स के बीच में। अब जबकि एजे स्टाइल्स ने हरा दिया एलिस्टर को मंडे नाइट रॉ पे, लेकिन उसको हम एक डोमिनेटिंग विक्ट्री नहीं मान सकते क्योंकि मैच से पहले OC ने बुरे तरीके से अटैक कर दिया था एलिस्टर ब्लैक पे। अब यहाँ पे प्रोबेबली हो सकता है कि एलिस्टर ब्लैक को अपना रिवेंज मिल जाए और वो एजे स्टाइल्स को हराए, लेकिन मुझे नहीं लगता विंस मैकमैन ऐसी बुकिंग करने वाले हैं। ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, यानी कि आउटसाइड इंटरफेरेंसेस हो सकती हैं, यानी कि हमें अंडरटेकर भी यहां पे देखने को मिल सकते हैं। अंडरटेकर और एजे स्टाइल्स का मैच रूमर करा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं एलिस्टर ब्लैक एजे स्टाइल्स अंडरटेकर का ट्रिपल थ्रेट मैच भी हो सकता है, तो कोई भी मैच हो अंडरटेकर का काफी ज्यादा चांस है यहां पे आने का। एग्जैक्टली हमें रूमर्स अभी तक नहीं सुनने को मिले कि वहां अरीना के आसपास अंडरटेकर आ चुके हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहां पे काफी ज्यादा है। और जहां तक मैच के रिजल्ट की बात है, मुझे लगता है गाइस अगर टेकर आते हैं तो एलिस्टर ब्लैक जीतने वाले हैं, नहीं तो एलिस्टर ब्लैक का बरियल हमें देखने को मिल सकता है और एजे स्टाइल्स इस मैच को जीत जाएंगे। अगले मैच की हम बात करते हैं तो वो होने वाला है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप बिटवीन आंड्राडे, जो कि अपना टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट हुम्बर्टो करियो। अब हुम्बर्टो को बहुत सारे लॉसेस मिले हैं शुरुआत में और उसके बाद एक दो विक्ट्रीज उनको कहीं कहीं मिली हैं बीच में, तो उनका जो मोमेंटम है वो कुछ इतना खास है नहीं, और आंड्राडे मेरे हिसाब से काफी अच्छे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रहे हैं। मुझे लगता है कि यहां पे WWE ट्रिगर पुल करने वाली है और हुम्बर्टो बन जाएंगे नए चैंपियन, लेकिन क्या वो सही डिसीजन है वो तो हमें बाद में पता लगेगा। लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पे एक टाइटल चेंज देखने को हमें मिलने वाला है और आंड्राडे यहाँ पे अपना टाइटल कर देंगे ड्रॉप। अगले मैच की हम बात करते हैं तो वो होने वाला है फॉर द WWE रॉ टैग टीम चैंपियनशिप, जहाँ पे न्यू चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट्स डिफेंड करेंगे अपने टाइटल अगेंस्ट सेथ रॉलिंस एंड मर्फी। और यहाँ पे गाइज मुझे लगता है कि कोई भी सेंस नहीं बनती टाइटल ड्रॉप करने की वापस स्ट्रीट प्रॉफिट्स की, अभी वो मंडे नाइट रॉ में जीते हैं, एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, अगर यहाँ पे फिर से टाइटल चेंज होता है तो हमें पता लग जाएगा किस तरीके से WWE वैल्यू नहीं करती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स को और टैग टीम डिवीजन उनके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे टाइटल चेंज मैं नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स रिटेन करें और प्रोबेबली केविन ओवेंस या फिर कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस हो सकती है जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस और मर्फी इस मैच को हारेंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा एक 3-on-1 हैंडीकैप मैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जहां पे ब्रॉन स्ट्रोमैन अपना टाइटल डिफेंड करेंगे शिंस्के नाकामुरा, सिजारो और सैमी ज़ेन के साथ। अब यहाँ पे जितना भी हम कह लें WWE ने यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना है, इस वजह से उन्होंने उनको एक 3-on-1 हैंडीकैप मैच में डाला है और प्रोबेबली यहां पे वो सबको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, अपना टाइटल रिटेन करेंगे और एक पॉइंट प्रूफ करने वाले हैं रेसलमेनिया से पहले। और एक चीज यहां पे ये भी है कि ये मुझे लगता है फाइनल मैच होने वाला है नाकामुरा और ब्रॉन स्ट्रोमैन का, ये फ्यूड यहां पे खत्म हो जाएगी और उसके बाद स्ट्रोमैन को कोई नया अपोनेंट मिलेगा जो कि प्रोबेबली शेमस हो, तो मैं काफी इंटरेस्टेड रहूंगा उस मैच में फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, लेकिन यहां पे डेफिनेटली ब्रॉन जीतने वाले हैं। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलने वाला है दो में से पहला एलिमिनेशन चेंबर मैच, जो कि होने वाला है फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप। हम जानते हैं कि इस साल कोई भी मेंस का सिंगल एलिमिनेशन चेंबर मैच नहीं है, वो थोड़ी सी अजीब सी बात है, लेकिन ये मैच जो होने वाला है यहां पे टाइटल्स डिफेंड करेंगे मिज एंड जॉन मॉरिसन अगेंस्ट द न्यू डे, उसोज, हैवी मशीनरी, लूचा हाउस पार्टी, डॉल्फ ज़िगलर एंड रॉबर्ट रूड। और क्योंकि हमें स्मैकडाउन में गॉन्टलेट मैच देखने को मिला था और वो ज़िगलर और रूड जीते थे, तो वो लास्ट एंटर करेंगे इस मैच में उस स्टिपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब यहां पे जितना मैं चाहता हूं हैवी मशीनरी इस मैच को
को जीते, मैं चाहता हूँ कोई फेस चैंपियन बने, लेकिन ये सही टाइम नहीं है मिज और जॉन मॉरिसन के लिए टाइटल हारना। अभी 10 दिन पहले सुपर शोडाउन में वो टाइटल्स जीते हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि उनकी रेन इतनी जल्दी खत्म हो जाए। बात करते हैं लुचा हाउस पार्टी की, तुम जानते हैं वो नहीं जीतने वाले। उसोस और न्यू डे का भी मुझे यहाँ पे चांस कम लग रहा है, और हैवी मशीनरी, जिगलर और रूट जो है मुझे लगता है आपस में लड़के एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो प्रोबेबली मिज और जॉन मॉरिसन यहाँ पे चीटिंग से जीते, चाहे कैसे भी जीते, लेकिन मेरे हिसाब से वो अपने टाइटल्स कर लेंगे रिटेन। और उसके बाद प्रोबेबली जो होने वाला है इस शो का मेन इवेंट, एलिमिनेशन चेंबर मैच फॉर दी वुमेन्स नंबर वन कंटेंडर। जो भी जीतेगा उसको मौका मिलेगा बैकी लिंच के अगेंस्ट लड़ने का एट रेसलमेनिया 36। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होने वाले नटालिया, लिव मॉर्गन, शेना बेजलर, आस्का, रूबी रायट और सैरा लोगन। प्रोबेबली अगर आप इस कार्ड को देख रहे हैं तो शेना बेजलर के अलावा कोई भी और ऐसा पूरा नाम नहीं है जो कि मैं देखना चाहूंगा इस मैच को जीतते हुए। आस्का एक अच्छा शाउट है अगर वो इस मैच को जीते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी चैंपियन है तो वो चीज WWE डेफिनेटली नहीं करने वाली, वो एक अलग ही मैच में होंगी रेसलमेनिया में। और बाकी जितने भी कंपेटिटर्स हैं उन्होंने कुछ नहीं करा एक टाइटल शॉट अर्न करने के लिए। और जब हम बात कर रहे हैं रेसलमेनिया के बड़े मैच की, तो शेना बेजलर के अलावा और कोई नाम आता भी नहीं है। और अगर आप मंडे नाइट रॉ पिछले 2-3 हफ्तों से देख रहे हैं तो क्लियरली WWE बता रही है कि बेजलर और बैकी लिंच होने वाला है रेसलमेनिया का वो मैच, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शेना बेजलर यहां पे इसको जीते हैं। तो गाइस ये थी मेरी सारी एलिमिनेशन चेंबर पे पर व्यू की प्रेडिक्शंस। कल ये शो होने वाला है, बात करेंगे उसके रिव्यू और रिजल्ट्स की जैसी शो खत्म होगा उसके बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट्स में मुझे बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।